नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है और राजस्थान के छोटे से राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैं जो अभी चला रहा हूँ दुकान, वो मेरी देवेंद्र इलेक्ट्रिकल है। इस पे मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे जो दो काम है इसमें, मैं जो एक मोटर वेंडिंग का भी काम करता हूँ, उसके साथ में जो होलसेल में है या जो रिटेलर में जो भी प्रोडक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल में, कूलर हो गया, पंखे हो गया, अपने जो मोटर वेंडिंग जो वायर वगैरह हो गई, ये सारी चीजें मैं जो सेलिंग भी करता हूँ और खुद भी काम करता हूँ। यानी जो आपके कूलर हो गए, पंखे हो गए, ये रिपेयरिंग का काम भी आता है मेरे को, और मैं जो जो नए प्रोडक्ट है उनको भी सेलेक्ट करने का काम करता हूँ। तो ये दोनों तरीके से मेरे जो अर्निंग होती है, ये सीधी सी बात है, मैं आपको अपना ये तरीका बता रहा हूँ। अब दोस्तों, आप लोगों को कैसे अपनी दुकान को स्टार्टअप करना है ये तरीका बताऊंगा। तरीके को फॉलो करना, आप लोग भी स्टार्टअप कर पाएंगे अपनी दुकान को, खुद का एक नाम क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, मैं जो अपनी दुकान को रन कर रहा हूँ, लगभग 3 साल से ऊपर हो गया मेरे, अब दुकान को चला रहा हूँ। पर्सनली बता दूं दोस्तों, मैंने जो अपनी दुकान को स्टार्टअप किया था, मैंने 0 लेवल से स्टार्टअप किया था, और आज की डेट में मेरी दुकान को मैंने बाय भी किया है, अच्छे से उसको रन कर रहा हूँ, और इसके साथ में मैंने एक दुकान और भी ली है। तो कहीं ना कहीं जो ये सब जो हो रहा है, सब अपनी इस मेहनत की वजह से हो रहा है। तो आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जो भी स्टार्टअप कर रहे हो, तो आप लोग घबराओ मत, यानी टेंशन मत लो कि पैसा भी क्या होगा या क्या होगा या ऐसे, तो आप टेंशन मत लो। कोई भी दुकान स्टार्टअप कर रहे हो तो आप इस चीज को डरना नहीं है कि दोस्तों क्या आपका नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आप ऐसे करोगे तो आपका वैसे ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि धंधे में आप अपना टाइम नहीं दे पाओगे, अच्छे से जो एक मेहनत नहीं कर पाओगे। तो आप लोग जो घबराओ मत, आपने एक बार सोच दिया, डिसीजन ले लिया, तो उसमें कूद पड़ो, बस ये इतना ही कहना चाहूंगा। चाहे वो आपने 5 लाख का लिया हो, 2 लाख का लिया, 3 लाख का, 10 लाख का, जो भी आपने लिया, पर एक बार आपने डिसीजन ले लिया, फाइनल डिसीजन है आपका, तो आप एक बार कूद जाओ, होगा जो देखा जाएगा। मैंने भी खुद यही चीज देखा था। मैंने जब अपनी दुकान को स्टार्टअप किया था, मेरे पास में इतना कोई बजट नहीं था, मैंने जो भी था पैसा मेरे पास, उसी से मैंने स्टार्टअप किया था। जब मैंने स्टार्टअप किया था दोस्तों, जो मैंने जो अपना किराए से स्टार्टअप किया था दुकान को मैंने किराए से स्टार्टअप किया था। जब जो मेरे पास जो थोड़ा बहुत बजट होने लगा, मेरे को लगा कि भाई साहब अभी दुकान को ले लेना चाहिए, खरीद देना चाहिए, और आगे जो आगे वाले पार्टी पे जो उसको सेल करने पर तैयार थी, तो मेरे को लगा कि पैसा मैंने भी 2 साल तक मैंने मेहनत की है, ये शायद बेकार नहीं चली जाए, ऐसे में जो मेरा नुकसान हो सकता था, क्योंकि जो मैंने स्टार्टअप किया था और उसी से 2 साल तक मेहनत किया, और जो वो शायद हो सकता कि दूसरा जो बंदा ले लेता या उस दुकान को दूसरा कोई खरीद देता, तो इससे जो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, मैं जो सीधा ही रोड पर आ जाता, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि कोई भी दुकानदार या कोई भी जो और भी जो ग्राहक उस दुकान को परचेज करता, तो उसको पता है कि पैसा इस दुकान पर ये काम है और अच्छा चलता है, तो कहीं ना कहीं वही दुकान वही स्टार्टअप करेगा और मेरे को जो लाभ मांग के बात करेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लोग जिस दुकान को स्टार्टअप कर रहे हो, कम से कम आप लोग यदि 5 साल या जो 10 साल का एग्रीमेंट बना दोगे, तो कहीं ना कहीं आप जो बहुत अच्छा एक मुकाम पर पहुंच जाओगे, और उस लेवल पर पहुंचने के बाद आप दुकान को भी बाय कर पाओगे। तो आप एग्रीमेंट लिखा देना, जिससे क्या कि आगे जो दुकानदार है या दुकान मालिक है वो आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि जो हो सकता है कि बहुत से दुकानदार अपने लेके होंगे, और मार्केट में होता है ऐसा रियलिटी में, क्योंकि जो यहाँ पे मेरे यहाँ पे भी हुआ है, जो एक दो दुकानदार है जो अभी सेटअप किया सब कुछ किया, वो 1-2 साल चल रही थी, और उन्होंने जो दुकानदार को बोल दिया कि पैसा आप खाली करो, मेरे ये सेट नहीं हो पा रहा है, ये जो किराए की तनमन हो या कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, सीधा ही क्लियर स्पष्ट कह दिया उनको। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप लोग पहले कम से कम आपको 5 साल या 10 साल का एग्रीमेंट बनाना, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। अब दोस्तों, मैंने जो दुकान को स्टार्टअप किया था, स्टार्टअप करने के लिए मेरे पास ज्यादा कोई बजट था नहीं, तो मैंने जो अपना मोटर वेंडिंग है, कूलर रिपेयरिंग का है, या जो अपने पंखे रिवेंडिंग के जो काम है, उसको मैं जो पूरे तरीके से कर पाता था, क्योंकि मैंने जो 6 महीने 7 महीने जो किसी दुकान पर रहकर काम सीखा था। इसके साथ में मैंने जो अपना 2 साल का जो डिग्री होती है जो ITI की होती है, वो मैंने भी वो कर रखा हूँ। इसके साथ में मेरे को 4 साल का जो अदर कंपनी में मैंने काम कर रखा हूँ, तो वो भी एक्सपीरियंस है। तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई, और मेरे को कोई इस चीज का टेंशन नहीं था कि कोई भी जो आए भाई आपको बोले कि भाई आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन है क्या, तो मैं उनको दिखा सकूँ कि भाई साहब मैं जो 4 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास में, तो जो कोई भी आता है मेरे पास, तो मैं उनको दिखा सकूँ कि भाई साहब मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है। इसके साथ में मैंने जो 7 महीने जो इस दुकान पर काम किया है, इसके साथ मैं जो 2 साल का जो कोर्स करके भी आया हूँ, तो कहीं कहीं मेरा जो पूरा कंप्लीट सेटअप है और मैं जो बैकग्राउंड कंप्लीट है, मेरे को हर चीज का नॉलेज है, तब मैं ये दुकान ओपनिंग की है। तो ऐसे में क्या है कि ग्राहक भी ट्रस्ट करता है, और बाकी जो लोग होते हैं जो आपके आजू बाजू लगे रहते हैं, जो आपको बेवकूफ बनाते हैं या जो आपको आपके पीछे जो ऐसे जो पीछे बुराइयां करते हैं ना, आपके जो आसपास वाले, या खुद मैं आपको कह रहा हूँ कि 2-3 दुकान आप छोड़ के भी आपके साथ हो गए ऐसा कुछ, जो बोलेंगे आपको भैया ऐसे ही जो कोई नॉलेज नहीं है, आप ऐसे ही आ गए, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे बोलेगा। इससे पहले आपके पास में प्रूफ तो है कि भाई साहब मैं जो स्पीड में हूँ और अच्छा सा कर रहा हूँ। चाहे उतना कहना चाहूंगा, यदि आपने किसी दुकान पर काम किया है 1 साल 2 साल 3 साल, तो आप उसका दिखा सकते हो, भैया मैंने उस दुकान पर काम किया है, चाहो तो आप उससे पूछ सकते हो, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो क्योंकि जो वो एक सपोर्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं आप इससे आप अपने बिजनेस को डेवलप कर पाओगे। जब मैंने ये सब कुछ कर दिया, मैंने जो एक्सपीरियंस था मेरे पास, इसके साथ मैंने जो दुकानों पर काम किया और मेरे को पूरा जो स्पीड में नॉलेज था, तो मैंने जो अपनी दुकान को वहां से स्टार्टअप किया था जहां जरूरत थी।
यानी जो मैंने रिवेंडिंग का काम स्टार्टअप किया, जब मेरे पास अच्छा अच्छा बजट आने लगा और जैसे जैसे मेरे पास ग्राहक जुड़ने लगे तो मैंने थोड़ा थोड़ा जो माल स्टॉक करने लगा, जैसे कि जो अपना पंखा हो गया, इसके साथ में कूलर हो गया, ये जो मैं होलसेल रेट में लेकर आने लगा और अच्छा जो सेटअप करने लगा, जैसे जैसे मेरे पास माल होता लगा और जैसे जैसे मेरे पास ग्राहक की डिमांड बढ़ती रही, उसी प्रकार से मैंने अपने दुकान में माल बढ़ना शुरू किया। यानी मैंने एक साल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक साल कंटिन्यू मैंने अपने रिवाइंडिंग का ही काम किया है कंटिन्यू। उसके बाद जब मेरे पास थोड़ा बहुत बजट होने लगा तब मैंने जो थोड़ा बहुत सेटअप और बढ़ाया और मैंने कहा कहीं कहीं और अर्निंग होनी चाहिए। इसके साथ में मैंने जो जब ये चलने लगा तो मैंने जो एक और अर्निंग सोर्स मैंने क्रेडिट किया कि मैं जो यार ये कर रहा हूँ, इसके साथ में मेरा जो ऑफ सीजन भी आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में जो वो क्या है कि जो सीजन में काम होता है, अदर सीजन में कुछ काम नहीं होता है, जैसे भी ठंड चल रही है तो ठंड में कुछ काम नहीं होता है, तो ऐसे में क्या है कि मेरा काम क्या जो रुक गया, बिल्कुल ही पैसा आना रुक गया था। तो ऐसे में मैंने जो अपना सेटअप बढ़ाया कि मैंने जो एक DSLR और ले लिया, कैमरा वगैरह ले लिया और ये सेटअप चालू कर दिया कि जब मैं बुकिंगों में जाने लग गया, यानी शादियों में जो भी बुकिंग होती हैं, जो भी आपकी जो सारे प्रोग्राम को मैंने जो सेटअप करने लगा उनको भी मैं हैंडल करने लगा, ये सारा कुछ मैं खुद ही कंडल कर रहा था। और दुकान को भी सेटअप करना है, दुकान को भी चालू रखनी है, इसके साथ में मैंने वो भी अरेंजमेंट किया। तो दोनों का जो बहुत तकलीफ आई थी, बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट इनको एडजस्ट करके मैंने सेटअप कर दिया। आपको ऐसे ही आपको टाइम लगाना पड़ेगा, ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक फील्ड से आपका कुछ काम नहीं चल रहा है तो आप दूसरे फील्ड से और कमाने की कोशिश करो, क्योंकि जो एक धंधे पे बैठने से आपका कोई आपका पैसा ज्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि दोस्तों मंदी भी आती है, हर एक जो बिजनेस में जो कभी कभी मंदी आती है, तो आप इस चीज को मानकर चलो कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहे और पैसा आपके पास आता रहे, तो आपको कुछ और भी बिल्डअप करना पड़ेगा पैसा। तो मैंने जो अलग अलग इनकम सोर्स बिल्डअप किए, जब ये मेरा जो चलने लगा कि भैया मेरे को ऑफ सीजन हो रही है तो मैं अब फोटोग्राफी का काम चालू कर दूं, तो फोटोग्राफी मेरे ऑर्डर आने लगे, ऑर्डर इससे भी आने लगे मेरे, तो फर्स्ट साल मेरा जो कुछ 7-8 ऑर्डर ही मेरे को मिला था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो साल हुआ था उसके बाद मेरे एक साल के बाद में मेरे को आधा अच्छा ऑर्डर आने लगा, 30-35 ऑर्डर आने लगे। इसके बाद में अभी इस साल कितना आएगा ये कुछ आइडिया नहीं है, बट आएगा जरूर, ये फिक्स है। अब देखो ये जो जैसे ये जो इनकम बढ़ने लगी और मेरे को लोग पहचानने लगे, भैया ये अच्छा कर रहा है, इसके साथ में ये भी कर रहा है और कहीं कहीं इसकी दुकान भी है, तो कहीं कहीं लोग अटैक होंगे और लोग आपको पहचानेंगे भैया। इसीलिए मैंने जो ये स्टार्टअप अलग अलग तरीकों से पैसा लगाना चालू किया। जब ये दोस्तों मेरे पास बढ़ने लगा तब मैंने जो और भी अपने दुकान में माल वगैरह स्टॉक बढ़ाने लगा, जैसे कि जो फिटिंग का हो गया, ये जो लाइट फिटिंग है, जो बार की केसिंग पट्टी हुई, पाइप हो गई, ये सारे जो माल वगैरह मैं जो स्टॉक रखने लगा, क्योंकि जो मेरे को पता था कि भैया कस्टमर अपने पास आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर अब जब आपके पास भी आ रहे हैं, आपको सभी को पता है कि भैया दुकान वहां पे है और उनकी दुकान है इलेक्ट्रिकल की दुकान है, तो कहीं कहीं लोग मेरे पास दौड़ते हुए आते हैं, तो ऐसे में मेरे को लगा कि भैया ये लाइट फिटिंग का भी काम मेरे को चालू रखना चाहिए। तो ऐसे में मेरे को जो भी ऑर्डर मिलता है मैं उसमें भी चला जाता हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ कि भैया मेरे को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा या कैसे काम दे रहा है या वो, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को बस काम से मतलब रखना है। तो आपको भी देखो दोस्तों, आपको ये स्टार्टअप करना है तो आपको पहले व्यवहार बनाने की कोशिश करना है। दुकान पे आप बैठ रहे हो, आपको उससे पैसा कमाना है तो आपको पहले अपना व्यवहार पर ध्यान देना है और कोशिश करना है लोगों से अटैक होने की, लोगों को अपने साथ जोड़ने की। आप काम दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार जाओ, सही जाने के बाद आपको पता चलेगा काम कितना है क्या है। दोस्तों क्या है कि जो कस्टमर है जो मेरे पास दौड़ते हुए आते हैं कि भाई साहब जो दूसरे जो मिस्त्री हैं या दूसरे जो कोई भी हैं फिटिंग वाले इतना पैसा मांग रहे हैं, आप कितना लोगे, तो मैं जो भी देता है मैं वहां एग्री कर देता हूं, बस उसके काम पे चले जाता हूं, जो भी काम होता है काम करके रखे कंप्लीट करके मैं आ जाता हूँ। क्योंकि अब व्यवहार देखने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आपके पास में यदि वो ग्राहक आपके पास आया है, कुछ उम्मीद लग गया है, तो कहीं ना कहीं उसको भी मेरी तरफ से देने की जरूरत है। मेरे जब वो आपको अच्छा पैसा दे सकता है, तो जब अच्छी इनकम आपको बिल्डअप करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कम रेट में भी आपको काम करके उसको देना पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। जब मेरे पास वो आ गया तब मैंने उसको जो मेहनत करने के लिए जो भी जो करना था, उसका बोर्ड वगैरह फिटिंग लगानी है या जो कैसी फिटिंग फिट करना है, वायरिंग फिट करना है, कुछ भी करना मैं चला गया और कर कर के आ गया। तो ऐसे में जो क्या है कि ग्राहक आपके साथ जुड़ा है और दूसरे दुकानदार के पास में वो ग्राहक नहीं जाएगा, आपका फिक्स हो गया वो ग्राहक, तो ऐसे आपको ग्राहक जोड़ने की कोशिश करना है। भले वो कम रेट दे रहा है लेकिन आपकी मेहनत है उसमें, तो आपको थोड़ा सा पैसा कम करके बाकी लोगों से कम करके आपको काम कर देना है। तो ऐसे में क्या है कि आपकी जो रेट भी बढ़ेगी और इमेज भी बढ़ेगी, दुकानदार भी होगी, ऐसे आप काम करोगे तो कहीं कहीं आपको बेनिफिट होगा और जो लोग आपने जो काम करके दिया है तो वो लोग जो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा मानेंगे और इस फील्ड में अच्छा आपको मानेंगे, क्योंकि जो जब आप अच्छा काम कर रहे हो इस फील्ड में, अच्छा उनको दे रहे हो, वैल्यू अच्छी दे रहे हो, इमेज भी अच्छी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े रहेंगे और लाइफ टाइम तक आपको पैसा कमा के देगा। क्योंकि सच बात है दोस्तों कि जो लोग इसमें अच्छा जो कर पाते हैं और अच्छी एक मेहनत के साथ में अच्छा ईमानदारी दिखाते हैं तो कहीं कहीं उनको अच्छा प्रॉफिट होता है। आपको मैं सही कहूँ तो यदि आप कम पैसों के साथ में शुरू कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये चीज मत देखो कि भैया आप मेरे पास बजट कम है या कम पैसा है तो मैं कैसे स्टार्टअप करूँ। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना कि आप ग्राहक के साथ में लाइफ टाइम जुड़े रहने के लिए आपको कुछ मेहनत और अपनी तरफ से कुछ बेहतर करने की कोशिश करना, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों।
ये कुछ तरीके थे जो आप लोग किसी भी फील्ड में हो, चाहे कोई भी दुकान खोल रहे हो, तो आपको ये चीजों को ध्यान में रखना और स्टार्टअप कर देना एक बार, क्योंकि जो बहुत से लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते कि भैया मेरे को स्टार्टअप करना है, इस चक्कर में आप आधी जिंदगी निकाली दोगे। तो ऐसे लोग होते हैं जो सोचते रहते हैं, बट मेरे साथ में बहुत से लोग थे जिन्होंने सोचता कि मेरे को दुकान करना, बट वो आज पर नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत में जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा आने लगती है समस्याएं, और उनकी समस्याओं को पार करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आपको टाइम है अभी और ऐसा लग रहा है कि मेरे को दुकान ओपन कर देना चाहिए, तो आपको जरूर उस फील्ड में कूद जाना चाहिए। जो आपके पास पैसा है वो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें मेहनत करना, कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छा आपको पैसा मिलेगा। इसके साथ में बहुत अच्छी ईमानदारी के साथ करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ टाइम आपको अच्छा पैसा कमा देगा। दोस्तों ये अच्छा बिजनेस आइडिया है मेरे हिसाब से, और मैंने भी खुद इसको स्टार्टअप किया था और आज अच्छी मुकाम पर हूँ। मैंने जो दो दुकानें अभी पर्सनली ली हैं उसका सेटअप किया है, इसके साथ मैं जो अपना स्टूडियो का काम भी कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ, इसके साथ मेरे जो LLC से भी मेरे को अर्निंग हो रही है। तो मैं कहीं ना कहीं मैं इनकम सोर्स बिल्डअप करता जा रहा हूँ, अलग अलग इनकम सोर्स अपना बना रहा हूँ और अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। तो आपको भी सर्च करूंगा दोस्तों, आप लोग भी जरूर अपने फील्ड में उतरने के बाद अलग अलग इनकम सोर्स बनाएं, क्योंकि जो हो सकता है कि दोस्तों जब अगले महीने मंदी आ जाए या दो तीन महीने बाद मंदी आ जाए, तो आपको अलग इनकम सोर्स बिल्डअप करके रखना, जिससे आपका जो मार्केट कभी डाउन नहीं हो। दोस्तों एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूं कि माल आपको कहां से लेना है, तो देखो माल आपको वहीं से लेना है जहां से आपको अच्छी रेट में मिल सके। मैं आपको पहले ही सजेस्ट करूंगा, यदि आप फर्स्ट दुकान लगा रहे हो, अपनी फर्स्ट ओपनिंग कर रहे हो दुकान की, तो आप अपने लोकल मार्केट से आपके हो सकता है कि 10-15-20 किलोमीटर आपके एरिया में हो, वहां पे होलसेलर है, तो उनके साथ अटैच हो और वहां से माल लेके आओ। वहां से आपको भले 2 रुपए मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक बार इसका मार्केट का आइडिया आपको लग जाएगा, तब आप मार्केट में और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, ये कुछ तरीके थे। तो आप माल है जो एक साइड जो कहीं से दिल्ली लेके आओगे, जयपुर लेके आओगे, तो आपको ट्रांसपोर्ट में और माल रिजेक्ट निकल गया तो आप वहां पे माल खा जाओगे। तो आपको धंधे में अच्छा जो परफॉर्म करना है, अच्छा बढ़ना है, तो आपको माल आपके 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर एरिया में जो होलसेलर है उनसे आप लेना है, अपने वहां से लेके आपको अपने दुकान पर लाना है और सेलिंग करना है। जब जो आपको 1-2 साल इस बिल्ड में हो जाएगा ना, तब आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा माल कहां से लेना चाहिए, क्या हो सारा आप समझ जाओगे, बट सजेस्ट मैं आपको वहीं से करूंगा। ठीक है, आई होप कि ये छोटी सी वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक शानदार बिजनेस आइडिया के साथ, शानदार की टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।